लोग आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? एसएसटी पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज फोर, क्या एक्सरसाइज फोर? यूकेजी क्लास, यूकेजी का आवर हाउस। आवर हाउस मीन्स हमारा घर। पी आर ओ टी ई सी टी, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा। एफ आर ओ एम, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से। एच ई ए टी, हीट, हीट मीन्स गर्म। सी ओ एल डी, कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा। R A I N, rain, rain means बरसा। F W E L, feel, feel means महसूस। S A F E, safe, safe means सुरक्षा। K U T C H A, कच्चा। H O U S E, house, कच्चा house means मिट्टी का घर। P U C H O U S E, पक्का हाउस मीन्स ईंट सीमेंट से बना घर। पक्का हाउस मीन्स ईंट सीमेंट से बना घर। जो हम लोगों का घर, किसी का मिट्टी का घर भी होगा, किसी का पक्का का घर भी होगा, लेकिन ईंट सीमेंट से जो बनता है, अगर ईंट सीमेंट बालू छड़ ये सब मिला के, वो क्या होता है? पक्का हाउस होता है। ईंट सीमेंट से बने घर को हम लोग क्या कहते हैं? पक्का हाउस कहते हैं। एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल मीन्स मुख्य। आगे हम लोग कुछ देखते हैं बुक। देखिए इसमें दिया हुआ है वी लिव इन ए हाउस, हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। डब्ल्यू वी एल आई वी, लिव आई एन इन ए एच ओ यू एस ई, हाउस, वी लिव इन ए हाउस। हम लोग कहाँ रहते हैं? वी लिव इन ए हाउस, हम लोग घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घर में। ईट पी आई टी, ईट पी आर ओ टी ई सी टी, प्रोटेक्ट यू एस अस। एफ आर ओ एम, फ्रॉम। एच ई ए टी, हीट। सी ओ एल डी, कोल्ड। ए एन डी एंड आर ए आई एन, रैन। ईट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रैन। हम लोगों को घर किस किस से सुरक्षा करता है, बचाता है? गर्मी, ठंडा और वर्षा से। ऐसे हम लोगों का घर जंगली जानवरों से बचाता है, सांप बिच्छू से बचाता है, ये सब चीज से बचाता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा घर हम लोगों को ठंडा, गर्मी और वर्षा से बचाता है। आगे हम लोग देखते हैं टी वाई पी ई, टी वाई पी ई। टी वाई पी ई एस, टाइप्स ओ एफ ऑफ एच ओ यू एस ई, हाउस, टाइप ऑफ हाउसेज, टाइप ऑफ हाउसेज। हम लोग घर के प्रकार, घर तो बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें घर के प्रकार दिए हुए। के यू टी सी एच ए, कच्चा। एच ओ यू एस ई, हाउस, कच्चा हाउस। देखिए कच्चा हाउस है, कच्चा हाउस किसी से बनता है? झलासी से बनता है, बांस से बनता है, मिट्टी से बनता है, इस घास से बनता है, मिट्टी से बनता है, बांस से, और इसने समा मिट्टी, बांस और फूल घास से, ये सब से क्या बनता है? मिट्टी का घर बनता है, कच्चा हाउस बनता है। उसके बाद ये पी यू डबल सी ए, पक्का। एच ओ यू एस ई, हाउस, पक्का हाउस। पक्का हाउस किस चीज से बनता है? तो पक्का हाउस बनता है ईंट से, सीमेंट से, छड़ से, बालू से, गिट्टी से, ये सबसे किस कैसा घर बनता है? पक्का हाउस बनता है। आगे हम लोग देखते हैं सो एम सम, एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल। एच ओ यू एस ई एस, हाउसेज, सम स्पेशल हाउसेज। कुछ हाउस, कुछ घर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मुख्य होते हैं। जैसे में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बी यू एन जी एल ए एल ओ डब्ल्यू, बंगलो। बंगलो जिस जो अच्छा खासा पैसा वाला होता है वो बंगलो बनाकर रहता है। देखिए यहाँ पे बंगला दिया हुआ है, बंगलो। शहर से दूर एक अच्छा बंगलो में रहता है, कैसा रहता है? बंगलो में। उसके बाद ये हुआ है डी यू पी एल ई एच, डुप्लेक्स। एच ओ यू एस ई, हाउस, डुप्लेक्स हाउस। डी यू पी एल ई एक्स, एच ओ यू एस ई, हाउस, डुप्लेक्स हाउस। मतलब घर एक है लेकिन ये दो भागों में बटा हुआ है, इधर और एक इधर। ऐसे घर को हम लोग क्या कहते हैं? डुप्लेक्स हाउस कहते हैं। उसके बाद ये हुआ अपार्टमेंट, ए पी ए आर टी एम ई एन टी, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट क्या होता है? अपार्टमेंट बहुत ऊंचा बना हुआ रहता है और उसमें फ्लैट बाय फ्लैट विभाजित किया हुआ रहता है, मतलब रूम बाय रूम अलग अलग किया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपार्टमेंट। अपार्टमेंट बहुत ऊंचे ऊंचे बनते हैं। और उसके बाद यह हुआ है हाउस बोट, एच ओ यू एस ई, हाउस, बी ओ ए टी, बोट। हाउस बोट मीन्स नाव का घर। क्या होता है? नाव का घर, नाव पर ही घर बना हुआ होता है, वो क्या होता है? हाउस बोट होता है। अब हम लोग इसमें आगे कुछ देखते हैं बुक में, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है।
क्वेश्चन आंसर देखिए, ये घर है, ये आपको लॉक को नहीं बनानी, ये सिर्फ बनाना है, ये फोर्थ एक्सरसाइज में, ये घर है, क्या है, घर है, ये घर है ना, इसमें रूम ऑफ हाउस, हाउस में क्या होते हैं, घर होते, रूम होते हैं, कमरा होता है, हाउस में क्या होता है, कमरा होता है, तो हाउस हैज मेनी रूम्स, एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, वी यूज देम फॉर डिफरेंट पर्पज, हम लोग अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमरों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग रूमों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे में बेडरूम, इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है, बेडरूम कहाँ है, इसमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर में बेडरूम है, क्या है, बेडरूम, बेडरूम फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या है, बेडरूम है, बेडरूम को हम लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोने के लिए करते हैं, दूसरा दिया हुआ है स्टडी रूम, स्टडी रूम का इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए, उसके बाद ये डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम का इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने रूम के बारे में पढ़ा था और हिंदी में बताई थी मैंने, तो इसमें हम डाइनिंग रूम का इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं, डाइनिंग रूम मतलब होता है खाने का कमरा, आगे हम लोग देखते हैं लिविंग रूम, लिविंग रूम मतलब होता है जहाँ पे हम गेस्ट आते हैं या फिर हम लोग आराम करते हैं, वो हम लोगों का लिविंग रूम या ड्राइंग रूम जो जिसे हम लोग बोलते थे अगले चैप्टर में बोले थे, या लिविंग रूम दोनों एक ही होता है, तो ये लिविंग रूम मीन्स बैठने का कमरा है, आराम कमरे करने का कमरा होता है, उसके बाद बाथरूम, बाथरूम मीन्स जहाँ हम लोग नहाते हैं वो क्या होता है, बाथरूम होता है, और उसके बाद किचन है, KITCHEN किचन, किचन मीन्स क्या होता है, रसोई घर होता है, जहाँ पे हमारी मम्मी खाना बनाती है, किचन होता है। Ask the student about different parts of their house. Also ask, ये तो हम लोग अगर मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे स्कूल में, तो तभी मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि घर में कितने प्रकार के कमरे होते हैं और कौन कौन होते हैं। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिसके कारण मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं कर सकती हूँ, तो ये आप लोग मीनिंग रिमेम्बर कीजिएगा। और ये बुक रीडिंग है, ये घर के बारे में पढ़ाया गया और मैंने आप लोगों को घर दिखाया, कितने की कैसे कैसे घर होते हैं और कितने प्रकार के हैं वो भी बताया, तो आप लोग इसको रिमेम्बर कीजिएगा और बुक रीडिंग कीजिएगा और मीनिंग को रिमेम्बर कर लीजिएगा। आज का क्लास हम लोगों का समाप्त हुआ।